और धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों को मैं तो कहता हूं कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जितने भी शराब माफिया हैं, जब जब शराब माफिया पकड़े जाते हैं उनका रिश्ता कहीं ना कहीं महागठबंधन से ही होता है। बिहार सरकार के राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने बयानों से उन लोगों को आगाह किया है जो जबरन धर्मांतरण करवाते हैं, उन्हें फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए। साथ ही शराब मामले पर कोर्ट की टिप्पणी को भी सरकार गंभीरता से ले रही है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, कल जिस तरह से पटना हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि बिहार में जो शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है कि यहाँ शराब माफिया और बिहार सरकार के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की मिलीभगत है, इस पर राजनीतिक कुनबे में चंद तरह की बातें पनपने लगी है। और इस बात को लेकर के राजस्व मंत्री से जब बात किया गया, पूछा गया दिलीप जायसवाल से, तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि शराबबंदी नीतीश कुमार और एनडीए की एक बेहतर गठजोड़ है और ये शराबबंदी पर अगर कोई कुछ बोल रहा है और ख़ास तौर पर कोर्ट ने अगर इस तरह से बोला है तो कोर्ट को कहीं ना कहीं किसी तरह का संज्ञान आया होगा, उस पर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। पहले ये बात को सुनिए कि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जब कोई सुनवाई करते हैं कोर्ट में तो उस समय उनकी कुछ टिप्पणी आती है। टिप्पणी हर वक्त जो है सुनवाई के दौरान किए गए चर्चा पर होती है, उसी पर वो टिप्पणी करते हैं। हो सकता है कि उस समय किसी अधिवक्ता के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई हो कि पदाधिकारियों के मिलीभगत से भी शराबबंदी में कहीं ना कहीं रुकावट आ रहा है, तो उनकी मनसा माननीय न्यायाधीश की यही रही होगी कि अगर किसी तरह का पदाधिकारी की संलिप्तता है तो सरकार को उस पर भी रोक लगाना चाहिए। तो ये अच्छी सोच है, सकारात्मक सुझाव है, ये कोई शिकायत नहीं है, सकारात्मक सुझाव है। जितने भी शराब माफिया हैं, जब जब शराब माफिया पकड़े जाते हैं उनका रिश्ता कहीं ना कहीं महागठबंधन से ही होता है, तो थोड़ा सा अपना रिश्ता क्या है उनके साथ में इसको वो परिभाषित कर दें। आपने सुना, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। अब यहाँ एक दूसरी बात भी पनप के आई कि धर्म बदलने की जो बात आ रही है, धर्मांतरण की जो बात आ रही है, उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है बिहार की राजनीति में। इस पर दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि फांसी होना चाहिए ऐसी हालात में। अब सरकार की क्या नीति है उस हिसाब से, क्या दिलीप जायसवाल की ये बात पर सरकार कितना संज्ञान लेते, पहले आप दिलीप जायसवाल को सुनिए। देखिए, आज तक धर्म परिवर्तन का दंश अगर कोई झेलता है तो वो सनातन और हिंदू धर्म ही झेलता है। क्या क्रिश्चियन को हिंदू को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके उसको धर्म परिवर्तन करा के क्या मिल रहा है? जितना क्रिश्चियन है उसी में आप अच्छा कीजिए ना, क्यों हिंदू को, क्यों किसी को आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं? धर्म परिवर्तन करवाना एक महापाप है और इस महापाप को रोक लगना चाहिए। और धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों को मैं तो कहता हूं कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो एकदम मुस्तैद है, ऐसे लोगों को तुरंत उस पर कार्रवाई कर रही है, उसको सजा दे रही है। राहुल गांधी ने सवाल उठा रहे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उम्र है वो ये उम्र है जो बाइडेन से तुलना की है उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस उम्र में हैं और जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर एक ताकतवर नेता में उनकी गिनती होती है, स्टाल वर्ल्ड, राहुल गांधी बेचारे 55 साल के जरूर हो गए लेकिन अभी तक वो बचपन में ही हैं। उनका दिमाग विकसित बेचारे का नहीं हो पाया, उनके पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि पप्पू है। तो
तो ऐसे परिस्थिति में राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, बेचारा उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाया पूरा। इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि उनके किसी बात का बुरा नहीं माने। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल को, इन तमाम मुद्दों को दिलीप जायसवाल ने अपने सफाई देते हुए कहा है कि सरकार सशक्त है बिहार में, और चाहे वो धर्मांतरण की बात हो, शराब माफिया की बात हो, या फिर विपक्ष तेजस्वी यादव राजीव गांधी की बात हो, इन तमाम मुद्दे पर दिलीप जायसवाल ने अपने पक्ष रखा और उन्होंने कहा है कि विपक्ष को बोलने का कुछ भी बोलते हैं जिससे एनडीए घबराती नहीं है और एनडीए अपने स्टैंड पर कायम है और कायम रहेगी। जब तक नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी का कद बना हुआ है तब तक एनडीए में किसी भी तरह की बात नहीं होगी। हमलेश आनंद, KBC News, पटना।